भारत का नाम आपने इतना अक्सर किया और जो भारत की राखी करते हैं 2400 घंटे जाके कैसा फील हुआ? पहले तो पंजाब में आए तो सत श्री अकाल सबको, और बहुत मेरा पहला एक्सपीरियंस है ये, मैं फ़र्स्ट टाइम आ रही हूँ। और मैंने हमेशा से सुना है कि वाघा बॉर्डर पे ऐसे होता है या फिर अटारी में ऐसे ऐसे, मतलब ये सब के बारे में मैंने बहुत सुना था बचपन से, और पहली बार आज मुझे मौका मिला और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कि किस तरीके की फीलिंग थी, जिस तरीके का लोगों में जज्बा है इन सब के प्रति, मुझे बहुत खुशी हुई और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप प्लीज़ आइए और यहाँ ज़रूर एक बार तो एक्सपीरियंस कीजिए। आप आई भी हैं तो एक बड़ा चेहरा बन के, और जब आप बैठे थे यहाँ पे सबको देख रहे थे, आपकी तरफ सब देख रहे हैं, आपको देख के सब मोटिवेट हो रहे हैं, उन सबको क्या कहना चाहते हैं? मेरी नज़रें तो दरअसल अपने जवानों से हट ही नहीं रही थी। मैं तो एक्चुअली सारे जो इतनी सारी चीज़ें हुई परेड से लेकर राइफल्स और इन सब के साथ जो शो था, बहुत ही बेहतरीन था। और मैं शुरुआत में तो थोड़ा लग रहा था कि हाँ सब लोग हैं यहाँ पे, इतने सारे लोग आए हुए हैं, सब देख भी रहे होंगे, बट जैसे ही वो शुरू हुआ मेरे ख्याल से मेरी नज़र तो उन पर से बिल्कुल नहीं हटी। अच्छा लगा फिर आपको आके? बहुत बहुत बेहतरीन लगा जी। गुरु नगरी में पैर रखा, हॉस्पिटलिटी कैसी लगी आपको? बहुत बहुत अच्छा लगा, और प्लस लोगों से भी मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। जिस तरीके का जज्बा है ना, वो बहुत रिफ्रेशिंग है, और एकदम ऐसे लगता है कि हम हैं। लास्ट सवाल है, आजकल लड़के नहीं लड़कियाँ ड्रग लेने लगी हैं, आपने भारत का नाम रोशन किया है, आप मैसेज क्या देते हैं उन लोगों को जो गेम नहीं खेलते लेकिन उल्टी गेम करते हैं? जी मैं तो ये कहूँगी कि हम लोग जो हैं वो दूध दही लस्सी का खान पान करने वाले लोग हैं, हम कहाँ इन सब चीज़ों में, ये कुछ भी नहीं है, किसी में कुछ नहीं रखा है। अपना देसी खाना बेस्ट है, अब जितना अच्छा घर का बना हुआ खाना उससे बेहतर कुछ नहीं है। और चाहे आगे आने वाले समय में बीमारियाँ हो या कुछ भी हो, आप जब तक घर के खाने के साथ रहोगे ना, हेल्दी खाना खाओ, बढ़िया वर्जिश करो, कोई स्पोर्ट खेलो, कुछ लाइफ में बहुत स्कोप होता है तरक्की का किसी किसी चीज़ में, और जो भी आपने सपने देखे उन पे गिव अप मत करो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में करने के लिए, और हम पंजाब बीइंग पंजाब, मतलब लस्सी दही, वही सबसे पहले वही आता है, क्या आता है पंजाब सोचते ही कि वही लस्सी और मक्खन और इन सब का खाना। तो हम लोग बहुत शक्तिशाली लोग हैं और अच्छा खाना खाएंगे, और जी यही यही मेरा हुआ। जी आइए प्लीज, हम एक पिक कर सकते हैं।